हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और ये है सोमवार का दिन, तो आज मेरे बेटे का स्कूल है और वो लेकर गया है पराठे और आलू की भुंजिया। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ये जो रूटीन का काम है, मैंने आंगन धोना चालू कर दिया है और नल हम लोग का आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और आज मुझे बाहर भी जाना है फ्रेंड्स, बाज़ार जाना है। तो पहले काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो नहाना धोना होगा तो वही जो रोज़ का रूटीन है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब मेरा काम अभी पड़ा हुआ है, अभी मैंने नहीं किया है। और फ्रेंड्स, मुझे बाज़ार इसलिए जाना है क्योंकि आज हमारे यहाँ बरहों का निमंत्रण है। तो वही उन्हीं के लिए, जैसे बच्चे के लिए कपड़े और साड़ियाँ, यही जो आप देना चाहे तो हम लोग के यहाँ ज़्यादा मतलब साड़ियाँ ही चलती हैं और बच्चे का कपड़ा। तो वही बरहों आने वाला है तो पार्टी है, तो उसी के लिए हम लोग भी। और फ्रेंड्स, इस समय अभी बहुत ही ठंडी हो रही है, मतलब जैसे गलन वाली ठंडी जिसको बोलते हैं, क्योंकि अभी बदल है नहीं, तो वही इतना गलन हो, हाथ पांव बिल्कुल जैसे इतना ठंड हो रहा है। चारों तरफ का मौसम जो है बिल्कुल ठंडा मौसम है। तो फ्रेंड्स, धूप भी हो रहा है और ठंडी भी पड़ रही है। और इसी मौसम में फ्रेंड्स, अभी जैसे सभी लोग बड़ी डालते हैं तो हम लोग को भी डालना है। और बात यह है कि हम लोग गांव में ही डालेंगे, क्योंकि वहाँ जैसे मेरी माँ ने रखे हुए हैं ये बड़ी वाले कुम्हड़े, तो वही इसलिए हम लोग यहाँ नहीं डाल पाएंगे, वहीं जाएंगे गांव अपने माँ के पास। तो चलिए फ्रेंड्स, और माँ भी बोल रही थी कि मेरा भी डाल दीजिए, मतलब डाल देना। तो वही इसलिए और मतलब गांव में ही हम लोग बड़ी डालेंगे, क्योंकि सभी का एक साथ हो जाएगा। क्योंकि इस बार ना मेरी माँ जैसे बीमार पड़ी हुई थी तो कमज़ोर हो गई हैं, तो दाल जैसे पीसने का उनका मतलब नहीं होगा। तो वही हम लोग भी अब सब इकट्ठा होकर, और सभी बहनें जैसे हैं और भाभियाँ हैं तो सभी मिलकर डाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने चाय, वही अपने लिए चाय बना लिया है। और मैं नहा धोकर सभी काम करके तैयार होकर, मैंने मैं बाज़ार से आ भी गई हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने जल्दी सभी खाना चढ़ा दूँगी, क्योंकि लेट भी हो रहा है, 1 बज रहे थे। तो वही दाल चावल जो बनेगा, और सुबह की जो भुंजिया रखी हुई है तो वही रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, वही अचार भी है, जैसे पापड़ है, नमकीन है, सभी चीज़ें हैं। तो जिसको जो खाना होता है तो खा लेते हैं, और मैं तो अपना दाल चावल और हरी मिर्च में ही मतलब मुझे अच्छा लगता है। और सब्जी ना भी हो तो भी मेरा मतलब चल जाता है। गर्म खाना रहता ना फ्रेंड्स, तो आप ऐसे भी खा लीजिए तो मतलब खिल जाएगा। इसलिए हम लोग सुबह से नहीं बना कर रखते हैं, जैसे सुबह से बना लो जैसे ठंडा हो जाता है खाना, तो हम 12 बजे के बाद ही नहा धोकर अपना खाना पीना सभी बनाते हैं। और फ्रेंड्स, ये आ जाने वाले हैं इनके पापा, तो वही शाम तक पहुंचेंगे। शाम को जैसे ये बिलासपुर तरफ से ट्रेन आती है, अनूपपुर से यहाँ फिर दूसरी ट्रेन में आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग शाम को गए थे, है छोटी सी पार्टी, अब बरहों की पार्टी छोटी ही होती है, और हम लोग के मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी ही पार्टी होती है फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जैसे जिनका मतलब वो रहता है सामर्थ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक कम्बल में सभी बना कर रख दूँगी, और एक कम्बल फ्रेंड्स ये तो ठीक है, जो मैंने पहले रख के आया है तो उसको धोना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा महक रहा था। तो वही अभी तो नहीं धोऊंगी, बाद में ही धोऊंगी, क्योंकि आज हम लोग के यहाँ आने वाली हमारी देवरानी जेठानी आने वाली हैं, और उनकी बच्चियाँ लड़कियाँ आने वाली हैं हम लोग की, और दामाद भी हैं, तो सभी आ रहे हैं। तो आज मुझे इतना सारा काम है फ्रेंड्स पूरे घर में, क्योंकि जैसे 4-5 दिन हम लोग नहीं थे ना, तो पूरे घर में कपड़े फैले हुए हैं, और मैं अभी बनाते जा रही अभी बन ही नहीं रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बिस्तर सही करूंगी, और जो यहाँ के पूरे कपड़े हैं सामान सभी एक तरफ से अपने अपने जगह में रख दूंगी। और जैसे फ्रेंड्स अपना
जैसे वही हरी साड़ी जो रखी है ना फ्रेंड्स, ये कल मैं पार्टी में पहन के गई थी इसको, तो वही लाकर मैंने, इतना ठंड लग रहा था कि मैंने ऐसे ही रख दिया था, बनाया नहीं था और सो गए थे फिर हम लोग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी कपड़ों को अच्छे से बना दूंगी। और यहाँ और ये जो काली साड़ियाँ हैं, काली साड़ी तो मैं इसको बाजार पहन कर गई थी, तो अभी सबको ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि जब मैं एक बार जैसे साड़ी पहनती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं बिना धोए अलमारी में नहीं रखती हूँ या फिर रैक में, तो अभी इनको एक बार दो बार पहन लूँगी तभी फिर धो कर रखूँगी। तो फ्रेंड्स 12-1 बजे तक मैं जैसे पहुँच जाएंगे सभी, तो टाइम बहुत ही कम है हम लोग के पास, तो वही मैं जल्दी जल्दी अपना काम जो है जल्दी से निपटा लूँगी। और मेरा ज़्यादा वैसे काम फैला हुआ वो ये कपड़े का बस है, और झाड़ू पोछा तो जल्दी से हो जाएगा, पर ये जो सामान है ना, तो इनका बनाने मतलब बहुत ही टाइम लग रहा है इनको सभी चीज़ें। और ये सभी देख, ये मेरे बच्चे का यही रूम है, तो मैं बोलती हूँ ना कि जहाँ भी सामान रखने का अगर जगह बन जाता है, तो फिर सामान, सभी सामान उन्हीं के ऊपर लाद दिए जाते हैं। देखिए भाई मशीन है मेरी ये, तो इन्हीं के ऊपर सभी चीज़ें जो ये पूजा पाठ के बर्तन हैं, तो अभी 3-4 दिन के सभी बर्तने रखे हैं, तो सभी मैंने रख दिया बाहर, और नहाते समय उनको धो लूँगी, मांज लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लाई, ये 1 दशी की लाई है, और हम लोग सोच रहे थे कि नदी ले जाएंगे, तो वहीं जैसे पूर्णिमा के दिन दीपदान करेंगे, तो नहीं जा पाए वहाँ भी। और पहले फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें ना, बच्चे जैसे भाई बहन रहते थे तो पूछती नहीं थी खाने के लिए, अब तो सामने जितना है उतना ही खाने का मन नहीं करता है किसी भी चीज़ को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, रैक का पूरा कपड़ा इतना बिल्कुल, जितनी बार निकालेंगे फ्रेंड्स उतनी ही बार ही पूरे घर में ये फैला कर ये रैक में रख देंगे। और ये मेरा जो बड़ा बेटा है ना फ्रेंड्स, तो ये अपने कपड़े सिर्फ पलंग के ऊपर ही रखता है, और कहीं नहीं। और जैसे मैं जमा कर रख देती हूँ ना, तो फिर नाराज हो जाता है कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। वही फ्रेंड्स, सभी कपड़ों को अच्छे से बना दूंगी, और इनको मैं अच्छे से किसी बैग में या किसी थैले में भर कर रख दूंगी, और जो भी देखता फिर वही निकाल लेता कि मैं इसको पहनूंगा, जैसे इनके पापा हैं तो वो भी निकाल लेंगे, तो एक बार दो बार पहनेंगे नहीं तो फिर वो भी डला रहेगा। तो सभी, आपका इंतजाम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे हैं तो सभी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते होंगे फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और जो मेरे वीडियो थोड़ा सा भी वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और ये अभी पर्दे फ्रेंड्स मैंने रख दिए हैं, अभी लगाने के इनका सुदिन ही नहीं हुआ है। तो चलिए, ये बैग तो मैंने खाली कर लिया था कल, इन्हीं में अभी जैसे कुछ ऐसे सामान है तो इन्हीं में भर कर मैं रख दूँगी। और ये मेरा पर्स है फ्रेंड, तो इसकी चैन जो फैल हो गई है, तो अब ये बेकार ही हो गया है, तो एक तो इतना अच्छा है कि फेंकने का मन नहीं कर रहा है, और बिना चैन के इसको ले भी नहीं जा सकते हैं कहीं। तो आज ये सभी तैयारी उनके आने की हो रही है, कि उनको जरा से भी थोड़ा वो गंदा ना लगे घर, और ना घर अस्त व्यस्त लगे, तो वही मैं जल्दी कर लूँगी। और नहीं तो वैसे करती हूँ, पर ज़्यादा मतलब रोज़ नहीं, हफ्ते दो हफ्ते में कर लेती हूँ, और अपना जो सामानों को सही जगह पर रखती हूँ, पर इनके बच्चों के कारण सब यहाँ वहाँ फैले रहते हैं। तो जैसे शाम को इनके मतलब मेरे इनके बड़े पापा मेरे बच्चों के, और ये भी आ गए थे इनके पापा जी भी, तो उन्हीं को देखने के लिए आ रहे हैं सभी, और अभी बहुत सारे मेहमान भी आएंगे। और फ्रेंड्स, मुझे घर की साफ सफाई करते करते ही मुझे टाइम हो गया था, 1-1.5 बज गए थे, और ये मतलब खाना पीना है तो उन्हीं के घर में था इस बार, मतलब क्योंकि उनके यहाँ ना संजना भी है, और उनकी भाभी है, और भाभी की भाभी भी आई थी, तो उन्हीं सभी ने, तीनों ने मिलकर ये पूरा खाना तैयार कर लिया था। तो वैसे खाना मैं नहीं बनाऊंगी, पर अपने लिए हम लोगों ने बनाया था खाना,
दाल चावल। और फ्रेंड्स, मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि जैसे किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना, तो मैंने उनका वीडियो नहीं बना पाया है। और बस अपना ही मतलब जो घर का काम है वही मैंने दिखाया है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वही कर लेती हूँ काम, और अभी नहाना भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये झाड़ू लगा कर पोछा लगा लूँगी और फिर मैं अपना जो नहाने वाला काम है वो कर लूँगी, क्योंकि अभी जैसे बच्चे ने आके बताया है कि आ गए हैं। तो अभी वहीं वो जो हमारी मतलब मंझली वाली जेठानी है तो उन्हीं के घर में है, उन्हीं के घर में सब बैठे हुए हैं। जो उनका जैसे खाना पीना वहीं है तो उन्होंने जैसे खा पी रहे हैं बच्चे लोग। वही मुझे लेट भी हो गया था क्योंकि ये सभी काम मुझे अकेले ही पूरा समेटना था ना, तो पूरा मुझे लेट हो गया था। तो और फिर सभी हम लोगों ने मिलके बैठ के वहीं नाश्ता पानी जो खाना पीना खाया, और जैसे मेरे यहाँ भी आए थे तो वही हम लोगों ने चाय नाश्ता जो था हमारे पास तो खिलाया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलूँगी फ्रेंड्स एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।